सीधे उत्तर प्रदेश ले चलते हैं आपको। वहां पर आज दो मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है। पूर्व नौकरशाह और ऊर्जा व नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बने गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएमओ में इन्होंने नजदीकी से काम किया। अब इनको उत्तर प्रदेश में एक साल पहले एमएलसी बनाकर भेजा गया और अब मंत्री बनाया गया है। अरविंद कुमार शर्मा अब ऊर्जा मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने भी कार्यभार संभाला। ये दोनों पहली बार ही मंत्री बने हैं। एके शर्मा आईएएस अधिकारी थे जबकि दानिश राजनीतिक कार्यकर्ता थे। दोनों ही पहली बार मंत्री बने हैं। दोनों को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। अरविंद कुमार शर्मा दरअसल पहले गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीब माना जाता है। काम संभालने के बाद अरविंद शर्मा से बात की हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने। सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज अपना चार्ज संभाल लिया है। शर्मा जी कितना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत, आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ऊर्जा है इस कमरे में भी और पूरे विधान मंडल में भी। 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री जी ने बनाने को कहा है, क्या तैयारियाँ रहेंगी सर? अब उसकी हम आज चर्चा करेंगे। आज ही हम दोनों विभागों के साथ हमारी डिटेल डिस्कशन आज हमने रखा है, उसके बाद हम तय करेंगे। एक संकल्प पत्र में घोषणा थी कि किसानों को बिजली जो है सिंचाई के लिए मुफ्त दी जाएगी, उसकी स्ट्रेटजी सर क्या प्लान? सारी बातें आज की चर्चा में आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सूचना के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है सर, वो हमेशा से बिजली कटौती एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन पिछले 5 सालों में काफी नियंत्रण पाया गया है। ये जो सिलसिला है ये बरकरार रहे, इसकी सर क्या तैयारियां? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, पिछले 5 साल में आपने स्वयं कहा कि बिजली कटौती कम हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार थी उनकी पूरी टीम थी उसको बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में जो क्वालिटी ऑफ पावर जो होता जिसको बोलते हैं, उसमें हम और सुधार करेंगे और बेहतरी लाएंगे और अच्छा करेंगे। नगर विकास महकमा भी है सर, उसकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, उसका एजेंडा किस तरह? अब मैं आज बैठने वाला हूँ सबके साथ, लेकिन सबसे प्रमुख या पहली बात भी और अंतिम बात भी यही है कि शहरों में रहने वाले नागरिकों को पहले से बेहतर जीवन मिले, खुशहाली बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बेहतर हो, यही हमारा ध्येय है। शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। एके शर्मा हैं कैबिनेट मंत्री जो अपना कार्यभार आज संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों के जीवन स्तर में कैसे हम गुणात्मक तरीके से बदलाव ला सकें, इसकी कोशिश जारी है। अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज लखनऊ। तो एकदम खिलाड़ी नेता की तरह एके शर्मा बात कर रहे थे आईएएस अधिकारी से। राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा दानिश आजाद की। आज काम संभालने के बाद उनकी चुनौतियां और योजनाओं के बारे में संजय त्रिपाठी ने बात की। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त राज्य मंत्री दानिश आजाद इस वक्त मेरे साथ में है। दानिश भाई, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिला है आपको, कैसे करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण? निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी के सपने को आगे ले जाएंगे हम लोग, और जो ग्राउंड लेवल पे हम मिलके काम करेंगे, हम शहरों में जाएंगे, अल्पसंख्यक बाहुल जो बस्तियाँ हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसको हम देखेंगे और उस ज़रूरतों को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो पिछले 5 साल में जो हमारी जो सरकार थी, उन्होंने जो भी अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किए हैं उनको और अच्छा बेहतर कैसे बनाएं, उनको उसको और इम्पैक्टफुल कैसे बनाएं, उसमें और क्या ऐड ऑन करें ताकि और भी अच्छा हो सके, इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज तो पहला दिन है, आज सबका, आप सबका आज आशीर्वाद चाहिए और आने वाले दिनों में आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दानिश भाई, मुख्यमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा मांगा है, क्या आप उस एजेंडे में क्या लेकर के जाएंगे? उस एजेंडे में है माइनॉरिटीज़ के लिए अल्पसंख्यकों का जो एजुकेशन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, उनके रोजगार परक जो योजनाएं हैं उसको और इफेक्टिव बनाना है, इन तमाम मुद्दों पे अभी अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के लिए, और उस खाके को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इस विभाग को और बेहतर बनाने की पूरी प्रण लेते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।